हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस। तो यहाँ पे हमें रॉम्बस का एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर, मतलब कि आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं चेंज करना है। लेट कि मैंने ये ए लिया तो ये बी आएगा, ये सी आएगा, ये डी आएगा, ये पी लिया तो क्यू आर एस आएगा, और आपको यहाँ पे जो फिगर बनाओगे तो उसमें भी ऑर्डर में ही इसको पुट करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात ये कि एरिया ऑफ रॉम्बस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रॉम्बस हम वर्टिसेस से कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, रॉम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो सिर्फ आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, उसमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको यही कहा, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, तो मैं यहाँ पे रॉम्बस का फिगर बना लेती हूँ। तो रॉम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है बट उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया, एक फिगर बना लिया और ये यहाँ पे ले लिया ए बी सी और डी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में रखना है, आपने ए यहाँ लिखा है तो बी यहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा। ये ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी लिख लो, ये बिल्कुल आपका जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, चाहे आप ऐसे चलाओ या चाहे आप ऐसे क्लॉकवाइज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज लिखो, लेकिन आपको ए के बाद बी यहाँ लिखना है या फिर यहाँ लिखना है। ये नहीं कि आप ए बी सी डी ऐसे कुछ भी लिख लो, ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग हो जाएगा फिर। और कोऑर्डिनेट्स भी आपको ऐसे ही लिखना है, आपने ए के कोऑर्डिनेट लेने 3 0, फिर सेकंड वाले आपको लेने बी के 4 5, फिर आपका थर्ड वाला सी आएगा और लास्ट आपका डी आएगा -2 -1। तो ये आपको जब भी आपको कहा है टेकन इन ऑर्डर, जब भी ऑर्डर की बात आती है तो आपको ये बिल्कुल ऑर्डर में रखने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में आपका जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा है वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो लेट, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स के नेमिंग नहीं गिवन थी, यहाँ पे हमें ये कोऑर्डिनेट्स के ए बी सी डी नहीं गिवन था, हमने खुद यहाँ पे किया है, तो ये हम राइट कर लेते हैं। लेट ए इज 3 0, बी इज 4 5, सी इज -1 4 एंड डी इज -2 -1। बी द वर्टिसेस ऑफ द रॉम्बस, बी द वर्टिसेस ऑफ रॉम्बस ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी जो हमारे हैं रॉम्बस की वर्टिसेस है। नाउ हमें एरिया फाइंड करना है रॉम्बस का, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रॉम्बस। तो एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, ये हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा डायगोनल क्या है इस फिगर के, तो ए को सी से ज्वाइन किया और बी को डी से, तो ये हमारे डायगोनल है ए सी एंड बी डी इस फिगर में हमारे क्या है रॉम्बस के डायगोनल। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू डायगोनल हमारा हो गया ए सी इंटू बी डी। तो ये हमारे यहाँ डायगोनल हो गए। तो ए सी और बी डी यहाँ पे क्या है फिगर में लेंथ है, तो यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ए से सी तक की लेंथ चाहिए, बी से डी तक की लेंथ चाहिए। तो लेंथ हम किससे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज करके पहले क्या कर लेते हैं, लेंथ फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू, या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए सी के लिए, तो फॉर ए सी, तो ये हमारा ए सी में ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा ए सी के लिए। तो ये यहाँ पे हो गया ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1। x2 हमारा यहाँ कितना है -1, फिर आइडेंटिटी का माइनस, और x1 कितना है यहाँ पे 3, x2 - x1 का स्क्वायर। फिर y2 हमारा यहाँ पे कितना है 4, तो ये हमारा हो गया 4 और आइडेंटिटी का माइनस, और y1 हमारा कितना है यहाँ पे 0, तो 4 - 0 का स्क्वायर। ओके, नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 + 1 हो गया 4
और साइन हमारे यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, जैसे 2 + 2 = 4 हो गया, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा, तो -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर हो गया, 4 में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो वही आएगा, तो आप चाहे -4 का स्क्वायर करो चाहे +4 का स्क्वायर करो, आंसर हमारा सेम आएगा, 4 स्क्वायर हमारा यहाँ 16 हो गया और ये 4 स्क्वायर भी हमारा 16 हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो माइनस इंटू माइनस, जैसे आप यहाँ देखो ये -4 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, -4 × -4 हुआ, तो -, -, +, हो गया और 4 × 4 = 16 हो गया, तो 16 + 16 हमारा कितना हो गया 32, तो आप 32 के फैक्टर बना लो, तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया, ये बना लिया 32 के फैक्टर, तो 2 की टेबल में आया 16 टाइम, फिर 2 की टेबल में आया 8 टाइम, 2 की टेबल में आया 4 टाइम, 2 की टेबल में आया, 2 की टेबल में आया, 2 की टेबल में आया 1, तो ये हमारा 5 टाइम 2 हो गया, तो ये मैंने यहाँ राइट किया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो जिनकी पैरिंग हो रही है वो बाहर आ जाएंगे, इन दोनों की पैरिंग हो रही है, फिर इन दोनों की पैरिंग हो रही है, और इसकी पैरिंग किसी के साथ नहीं हो रही है तो ये रूट में ही रहेगा, तो √32 हमारा क्या हो गया, ये बाहर आ गया, इसकी पैरिंग हो ये भी बाहर आ गया, और ये पैरिंग नहीं हुई इसलिए रूट के अंदर ही है, ओके okay, तो ये √2, तो हमारे यहाँ कितना हो गया 2 × 2 = 4 √2, और यहाँ पे क्योंकि लेंथ है और यूनिट हमें यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो हम यूनिट ही लिख देते हैं, लेंथ की तो कोई ना कोई यूनिट होती है, ओके okay? तो ये यहाँ पे मैंने यूनिट लिख दिया, नाउ हम सेम बी डी फाइंड करते हैं, नाउ फॉर बी डी, तो यहाँ पे हमारा हो गया बी डी इक्वल टू सेम फॉर्मूला, तो बी के कोऑर्डिनेट क्योंकि यहाँ पे फिगर में दिखेगा नहीं, तो बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 4, 5 एंड डी के कोऑर्डिनेट हमारे हैं -2, -1, तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया, तो उसको सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ बी डी का हो गया x2 - x1, तो -2 - 4 का स्क्वायर हो गया प्लस y2, तो -1, आइडेंटिटी का माइनस और ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज -, -, +, तो 4 + 2 हमारा 6 हो गया, साइन हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, प्लस फिर -, -, +, तो 5 + 1 = 6, 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी साइन हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, नाउ इसको सॉल्व किया तो -6 का स्क्वायर सेम ऐसे जैसे यहाँ सॉल्व किया, तो ये हमारा 6 का स्क्वायर हो गया 36, फिर यहाँ पे भी 36, तो 36 + 36 कितना हो गया 72 हो गया, तो 72 के फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, तो 72 के फैक्टर हो गए, 2 के टेबल में आया 36 टाइम, फिर हमारा नेक्स्ट आया 2 के टेबल में 36 आया 18 टाइम, फिर 2 के टेबल में 18 आया 9 टाइम, फिर 3 के टेबल में 9, 3, 3, 1, तो 72 हमारा यहाँ कितना हो गया इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो ये इनकी पैरिंग हो रही है, इनकी पैरिंग हो रही है, दोनों रूट से बाहर हो जाएंगे, तो 2 × 3 × √2, तो ये हमारा हो गया 6 √2 यूनिट, ओके ना हम डायगोनल भी हमारा फाइंड हो गया, ना हम एरिया फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो एरिया इज 1/2 AC × BD, तो यहाँ पे हो गया एरिया इक्वल टू 1/2 AC × BD, दोनों डायगोनल हमारे यही है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/2 AC की वैल्यू हमारी आ रही है 4 √2 और BD की वैल्यू हमारी आ रही है 6 √2, तो 2 के टेबल से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो अब यहाँ से कितना बचा 2 × 6 = 2 × 6 × √2 × √2, तो √2 × √2 क्या हो गया 2 आएगा, दो नंबर का सेम रूट में जब मल्टीपल होते हैं तो हमारा वही नंबर आता है, तो ये हमारा हो गया 2 × 6 × 2, तो ये हमारा कितना हो गया 6 × 4 24, और एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट, तो जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो √2 × √2 कैसे हुआ, तो ये √2 × √2, तो इसको हम एक ही में लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 × 2 लिख सकते हैं, √a × √b · √ab होता है, सेम नंबर है तो भी आ जाएगा रूट के अंदर, अलग अलग है, √2 × √3 होता तो √2 × √3 होता, तो मैंने आपको कहा है जिसकी पैरिंग होती है वो रूट से बाहर होता है, तो इन दोनों की तो पैरिंग हो गई तो रूट से बाहर आके 2 ही हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे,
अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए हमने कैसे इसको सॉल्व करना है. तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, फिर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को पुट करना है और सॉल्व करना है, और आपका एरिया रोम्बस का आ जाएगा. तो अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.